अनिशा होता है और मैं मानसरोवर से आई हूँ। और हुआ ऐसा कि एकदम से मुझे इमरजेंसी फील हुई और ऐसा लगा, एक घबराहट सी थी चेहरे पे और एकदम से परेशान फील कर रही थी। तो इनको मैंने बोला कि चलो बस चलो। तो फिर दिवाली के दिन की बात ही बिल्कुल पूजा करके ही चुकी थी और एकदम से इमरजेंसी आ गई। सारा रास्ता क्लियर था और यहाँ करीब 20 मिनट में ही पहुँच गए थे। और आते ही मतलब पहले से ही हॉस्पिटल से कांटेक्ट था, तो ये था कि एकदम से आते ही सारे स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने एकदम से मतलब बिल्कुल नॉर्मल फील कराया। और जब एकदम से जब लेबर रूम में गए तो फिर वहाँ पर जो कि डॉक्टर शगुन गुप्ता थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया और बिल्कुल ऐसे फील कराया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े पेन आने लगे मुझे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है, नॉर्मल कराने की पूरी कोशिश की गई। बट हुआ ऐसा कि कुछ बच्चे के कॉम्प्लिकेशन की वजह से थोड़ा हाथ उनका थोड़ा डायरेक्शन ये सब नहीं हो पाया, तो उस वजह से थोड़ा सिजेरियन ही लेना पड़ा। और ये सब प्रोसेस बड़े ईजीली हुआ, लेकिन थोड़ा अंदर से फिर भी डर तो था। लेकिन फिर एक डॉक्टर की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये डर थोड़ी देर का है, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही ओटी में जाने के बाद सारा स्टाफ एकदम से बिल्कुल रेडी और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सब हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। और मैं डॉक्टर शगुन गुप्ता के लिए ये और कहना चाहूँगी कि उन्होंने टाइम टू टाइम आके मुझे रूम में जो सर्विस दी, जैसे कि रूम में आके मेरी ड्रेसिंग करना और मुझे ऐसे अच्छे से मतलब ऐसे अच्छे से फील कराया कि मतलब इतना मतलब फैमिली की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी के लिए कहना चाहूँगी, उन्होंने भी मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से केयर किया और मुझे पता ही नहीं चला कि इसका क्या मतलब कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है बिल्कुल। और अच्छे से मतलब इसका मतलब पूरे मतलब टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कर दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि इसका क्या क्या करना है क्या नहीं करना, अपने आप सब कुछ हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इन नर्स के बारे में कहना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे ना फीडिंग जैसे मुझे आई ही नहीं थी कैसे कराना है क्या नहीं कराना है, तो इन्होंने मुझे अच्छे से इसको ना फीड करना सिखा दिया। तो मतलब मैं इनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ जैसे कि यहाँ की सर्विस वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी स्टाफ टाइम टू टाइम, जैसे कि ऐसा भी नहीं है कि एक ही स्टाफ आपको अटेंड कर रहा है, कोई भी स्टाफ आता है और अकॉर्डिंग टू दैट वो बिल्कुल अच्छे से आपको, जैसे कि आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तुरंत वो आता है अच्छे से, है ना, आपको हर मेडिसिन टाइम पे स्पॉन्जिंग अच्छे से करके जाता है। और ये सब मतलब देख के ऐसा लगा कि जैसे कि मैं एक घर में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी यहाँ आके अपना कराए तो बहुत अच्छा फील करेगा। हम यहाँ की सारी सर्विस से काफ़ी सेटिस्फाइड है, स्टाफ डॉक्टर्स काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ पे, और ऐसा लगा ही नहीं कि लाइक हॉस्पिटल में है, जैसे घर जैसे फील करते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। और एक डॉक्टर थे डॉक्टर प्रभात, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, मतलब बच्चा काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, तो लाइक वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस हॉस्पिटल।